मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैन वर्सेस थ्रॉटल। दिस इज प्रभात और आप देख रहे हैं मेरा ये लद्दाख का ट्रिप। जैसा कि आपने कल वाले एपिसोड में देखा कि हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किल से होटल मिला था। ग्रीनलैंड होटल का नाम है और बिल्कुल बीचों बीच है कारगिल के मार्केट में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि बहुत अच्छी लोकेशन है अंदर से उसकी, और बाहर इतना बड़ा मार्केट है कि आपको अगर दिन में भी आप हैं तो आपको शोर शराबा भी अंदर तक नहीं आएगा। कल हम लोगों को काफ़ी थकान हो गई थी और डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग फाइनली रेस्ट लिया हम लोगों ने कल। और आज है 16th of September, आज हम निकल रहे हैं कारगिल से सोनमार्ग की तरफ। हमारा कोई प्लान ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हम लोग सोनमार्ग में रुकेंगे ही रुकेंगे, अगर क्योंकि सोनमार्ग में यूजुअली जो हमने गूगल वगैरह पे रिसर्च वगैरह किया उस पे हम लोगों को ये मिला कि सोनमार्ग में द बेस्ट सीज़न इज़ टू विज़िट इन विंटर सीज़न, जब स्नोफॉल होता है काफ़ी अच्छा। तो हम लोग ये भी एक प्लान कर रहे हैं कि अगर हमारे पास वक्त होगा तो हम डायरेक्ट श्रीनगर, जहां हमने डल लेक की बुकिंग की है, वहां भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। हम लोग इस समय निकल रहे हैं मार्केट से बाहर मेन श्रीनगर हाईवे पर, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे इलाके में रोड्स तो अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि हमें पूरा हिल पे ही ड्राइव करना है तो डेफिनेटली टाइम हमको ज़्यादा लगने की संभावना भी है। तो चलिए निकलते हैं इस रूट पर और नज़ारे देखिए। ये हम लोग उधर से आए और ये देखिए पूरा बंजर पहाड़, उसके बीच में छोटा सा गांव। और ये नीचे एक नदी बहती हुई है ना, जबरदस्त। द्रास के अंदर और यहाँ पे वॉर मेमोरियल है, वो हमें देखना है कहाँ पर है। तो मैं साढ़े छः किलोमीटर है कारगिल वॉर मेमोरियल। तो फाइनली वॉर मेमोरियल हम लोग आ गए हैं द्रास सेक्टर के। हमारा तिरंगा लहराता हुआ, शान बढ़ाता हुआ हमारे देश की वॉर मेमोरियल के अंदर एंटर करते हुए। मैंने चप्पल पहन रखी थी गाड़ी में, मुझे लगा सोनमर्ग तक जाना है शायद स्लीपर में। मेरे पास सैंडल्स थे एक्चुअली, तो सैंडल्स में अलाउड ही नहीं किया उन्होंने, तो मैं गाड़ी में आया हूँ, दोबारा से शूज़ पहने, अब दोबारा चलते हैं। चलिए, तो ये बात आज नहीं पता चली कि कुछ कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर स्लीपर्स अलाउड नहीं हैं, सिर्फ शूज़ ही पहन के अलाउड है आपको अंदर जाने का। तो हमारे जो सैनिक हैं उनकी रेस्पेक्ट में स्लीपर्स आर नॉट अलाउड, बैठना भी अलाउड नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी फर्स्ट वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसका मेमोरियल है। तो इसमें पाकिस्तानी फोर्सेस थी और उनके जो भेजे हुए रेडर्स थे वो थे। तो ये जो फाइट थी बहुत दिन चली थी, जाता है कि 6 मंथ्स तक लगातार ये फ़ाइट चलती रही और फाइनली जो हमारी अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, अलग अलग बटालियंस हैं, उनकी मदद से, जिसमें मैं जैसे पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी रेजिमेंट्स इसमें इंक्लूड थी। और कमाल की कहानी लिखी हुई है इस पर, मतलब यहाँ आना बनता था, हमें पता होना चाहिए महत्व हमारे सैनिकों का, हमारी फ़ौजों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश को दुश्मन से बचाया और आज भी कॉन्टीन्यूस वो आज भी टिके हुए हैं, डट के खड़े हुए हैं। हम पूरे रास्ते आए कारगिल श्रीनगर, अब जा रहे हैं हम लेह में भी, यहाँ भी, हर जगह हमारे देश की रक्षा कैसे होती है इसका हमको अनुभव पूरी तरीके से हो गया।
तो मैं आप लोगों को सभी को ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूर आएँ यहाँ पर, विद रेस्पेक्ट आएँ यहाँ पर, और ये एक अलग ही अनुभव है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सो चलते हैं नेक्स्ट। आज हम लोगों को पहुँचना है आगे, और बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। आएँ यहाँ, फील करें उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और हंसते हंसते अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। और इसी कारण हम आज फ्री होके इस जम्मू कश्मीर एरिया में, लद्दाख एरिया में फ्री, एकदम फ्री होके, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी ट्रबल्स, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है।